भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध है उसको विवेचित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और पक्का हो रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। एनडीए के घटक दल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग हो गई और नीतीश कुमार द्वारा एसएसपी को बर्खास्त करने, उनको उन पर कार्रवाई करने की बात कही जाने लगी। हो रहा था बिहार में आंदोलन हो रहा था तो उनके चुप्पी साधने पर भी सवाल खड़े हुए थे और इसके साथ ही और भी कई ऐसे आरोप लगे थे उनके पुलिस प्रशासन पर, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के, उनके सरकार को लेकर के, उनके प्रशासन को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर के आपके सामने हाजिर हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, और ये एफआईआर कौन दर्ज किया है वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बीच में आरएसएस की एंट्री और आरएसएस का नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में काफ़ी आक्रोश था। आपको जैसा कि जानकारी है कि बिहार में नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के, उनके सरकार को लेकर के, उनके प्रशासन को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं, जबकि उस शासन और प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी की भी हिस्सेदारी है और बड़ा पार्टनर भी है। लेकिन उस सब के बावजूद चूंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, इसको लेकर के अक्सर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में रहते हैं। इस बार सवाल और बड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि बिहार में किस तरह का माहौल पैदा हो गया है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि जब नीतीश कुमार अग्निवीर योजना को लेकर के एक्शन हो रहा था बिहार में आंदोलन हो रहा था तो उनके चुप्पी साधने पर भी सवाल खड़े हुए थे और इसके साथ ही और भी कई ऐसे आरोप लगे थे उनके पुलिस प्रशासन पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रक्षा सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जिसके कारण कई नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा दी गई। इसके बाद मामला बिगड़ता नजर आया तब और ज़्यादा, जब पीएफआई की तुलना नीतीश कुमार के एसएसपी, जो पटना के एसएसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो, उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी। उन्होंने कहा कि पीएफआई उसी तरह से ट्रेनिंग दे रही थी जिस तरह से लाठी की ट्रेनिंग आरएसएस देती है। इस मामले ने तूल पकड़ा और मामला काफी बिगड़ गया। इन सारे चीजों को देखते हुए जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग हो गई और नीतीश कुमार द्वारा एसएसपी को बर्खास्त करने, उनको उन पर कार्रवाई करने की बात कही जाने लगी, वहीं नीतीश कुमार के दल और नीतीश कुमार के सहयोगी कहा जाए या एनडीए के दूसरे सहयोगी जो हैं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह की कार्रवाई न करने का दबाव बढ़ता चला गया। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तल्खियां जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई और इन तल्खियों के बीच में एक बात तो पक्का नजर आई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं बिखरते नजर आए। अब इस पूरे मामले पर मानवजीत सिंह ढिल्लो पर दिल्ली के हौज खास थाना में केस दर्ज कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने वाले आरएसएस के पुराने सदस्य हैं अश्विनी कुमार गुप्ता उनका नाम है। अश्विनी कुमार ने एफआईआर दर्ज करते हुए सीधे तौर पे ये सारी बातें कही है और इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने एक बात तो पक्का कर दिया है कि अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बीच में कहीं ना कहीं वो चीज़ें नजर आएंगी जिसको लेकर के सभी तरह से नीतीश कुमार और उनके पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दबाव बढ़ा है और इस बार केंद्र में आरएसएस है। हौज खास थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर, उसमें धारा है 153A, 153B, 295A, इसके साथ साथ 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध है उसको विवेचित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक बात और पक्का हो रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है और इसमें आरएसएस की एंट्री ने इस मामले को और ज़्यादा उलझा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मानवजीत सिंह ढिल्लों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार किस तरह से निपटते हैं और इस पूरे मामले पर जो संगठन है अधिकारियों का वो क्या एक्शन लेता है। हालांकि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के साथ साथ मानवजीत सिंह ढिल्लों के भी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि
एफआईआर दर्ज होने के बाद समस्याएं तो होती हैं। अब देखना होगा कि आगे यह संबंध किस तरह से कंटिन्यू करता है और दोनों के बीच में टकराव की जो स्थिति थी उसमें और ज्यादा इजाफा होता है या फिर यही मामला खत्म हो जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।